स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऊपर एक और नए ब्लॉग में। आज जो ब्लॉग होने वाला है वो है वैक्सीनेशन के ऊपर। सो आज लग रही है यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है मेरे गांव में। सो आज हम वैक्सीन लगवाने आए हैं यहाँ पे स्पेशली। एक्चुअली मैं यहाँ पब्लिक दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पे आई हुई है वैक्सीनेशन करने के लिए। सो आपको पता है कि कोरोना वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है करवाना है। सो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए गाइस, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं वैक्सीनेशन करवाने आए हुए हैं। तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन करवाना कितना ज़रूरी है। मैं भी यार कुल्लू में था और स्पेशली कुल्लू से मुझे बोला गया कि वैक्सीनेशन हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी आएँ और वैक्सीन लगवाएँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। सो अभी मैं पहुँचा हूँ, देखिए थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए यार, आप यहाँ पे लोग देख सकते हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं और यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि वैक्सीन लगवाने आए हैं स्पेशली। सो पिछली बार भी आए थे, बट पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार बहुत कम लोग आए थे, जिस वजह से जितनी भी डोजेस यहाँ पे लाई थी वो सारी वापस ले गए थे। और इस बार 180 डोज यहाँ पे आई हुई है और 180 कम पड़ गई यहाँ पे, क्योंकि और भी लोग अभी आने बाकी हैं और कम से कम यहाँ पे 250 डोजेस लगनी है, मतलब। सो यहाँ पे 180 डोजेस अभी लगी है। सो बोलते हैं परसों अभी यहाँ पे फिर से लगेगी कोरोना वैक्सीनेशन, फिर से होगी। तो जो लोग बचे हैं वो फिर परसों लगाएंगे कोरोना वैक्सीन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड की एंट्रियाँ करवा रहे हैं पहले, उसके बाद अंदर जाने दे रहे हैं। और अंदर जो भी टीम आई है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ चल रही है गाइस वैक्सीनेशन। यहाँ देखिए कैसे लोगों ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखा है अंदर प्रॉपर तरीके से। सो जो भी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स यहाँ पे काम कर रही है, रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिस वजह से आपको क्या होता है कि हमें OTP आता है। OTP आने के बाद ही आगे वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, ताकि वो हमें मैसेज के थ्रू वो हमारे पास आ जाए, तो वो एक प्रूफ होता है कि हमें यार हमने वैक्सीनेशन करवाई है, वैक्सीनेशन लगाई है, वो हमारा प्रूफ है। तो अभी क्या है कि यार गाइस, मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे वैक्सीनेशन करने आया हूँ, फर्स्ट डोज है मेरा आज। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कि लोग बोलते हैं कि यार बाजू भारी हो जाता है, या ये हो जाता है, वो हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो देखते हैं वैक्सीनेशन के बाद। और यहाँ पे वैक्सीनेशन करने के लिए जो भी टीम आई हुई है वो है जरी से कांता मैम, और स्पेशली थैंक्स करना चाहेंगे हम कांता मैम का, जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस मेरा टाइम आ गया है वैक्सीनेशन करने का, और अभी लग रही है मेरे वैक्सीन। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है वैक्सीनेशन का। सो उतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल ही है। कुछ लोग बोलते कि ज़्यादा दर्द होता है, मुझे तो नहीं हुआ था, देखते हैं। सो है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्रॉपर सोशल डिस्टेंस यहाँ पे बनाया हुआ है, सभी दूर दूर बैठे हैं। सो सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। आपको ना टीवी के बारे में बताना चाहती हूँ कि आजकल हमारे मतलब जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें एक टीवी मुक्त हिमाचल अभियान चला हुआ है, जिसमें कि हिमाचल सरकार ने ये रखा कि 2021 तक हमने टीवी को ख़त्म करना है। तो इसलिए अगस्त 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक सर्वे चला हुआ है, ACF सर्वे। उसमें आप सब मतलब जो आशाएं हैं वो घर घर जाके आप सबके बारे में पूछेंगे, कोई बीमार तो नहीं, किसी को खांसी जुकाम या फिर पुराना कोई टीवी का पेशेंट तो नहीं है, उन सब ने अपने सैंपल देने हैं उनको। आप सबको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी आपके अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे जुकाम खांसी या किसी का वजन कम हो रहा है या हल्का हल्का इवनिंग के टाइम पे बुखार आता है, तो उस केस में क्या है कि आपने अपनी आशा को बताना है और अपने स्पूटम के सैंपल देने हैं, जिससे कि हमें जैसे गाँव में होते हैं लोग जाते नहीं है बाहर इलाज करवाने के लिए, तो इससे हमारा ये होगा कि जो आशाएं घर घर जाएगी तो उससे सैंपल लेके हम पता लगा सकते हैं कि गांव में कितने छिपे हुए केस हैं हमारे टीबी के। उससे हमें आसानी रहेगी कि जो टीबी है हम जल्दी से मतलब इसको ख़त्म कर सकते हैं जड़ से ही। तो आप सब ने छुपाना नहीं इस चीज़ को कि मुझे जुकाम है या फिर बुखार है या खांसी हो रही है तो मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर टीबी होगा तो उसका इलाज होता है, अगर आप उसका इलाज नहीं करवाओगे टाइम पे तो वो टीबी हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे कि हमारी डेथ भी हो सकती है। तो मतलब टीबी एक जानलेवा बीमारी है, अगर इसको ख़त्म करना है तो आप सब ने शर्माना नहीं है, सैंपल देने हैं अपने और बताना है। और उसके अलावा
अलावा एक और बीमारी फैली हुई है आजकल, स्क्रब टाइफस, जो कि खासकर जैसे घास लेने जाते हैं ना, घास काटने जाते हैं, उससे होती है। जैसे घास में पिस्सू होते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से होती है। पीछे जैसे विशाल पीनी में हुआ था एक केस स्क्रब टाइफस का, तो वो भी बहुत जानलेवा हो सकती है बीमारी। तो उससे बचने के लिए हमने मतलब ग्लव्स पहनने हैं और सॉक्स पहन के जानी है और जूते पहन के जाने हैं खेतों में, खासकर जो औरतें होती हैं क्योंकि वही ज़्यादातर घास वगैरह काटते हैं, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्लीज़ सबको अपने घरों में बोल दो कि लगा लो वैक्सीन, पीने वाले ही हैं सबसे पीछे में, सच में बोलूँ तो बाकी सब जगह लग गई है। ये आप सब लोगों के लिए ही, अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो जो हमारे घर में बूढ़े होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको हम नहीं लगाते हैं वैक्सीन, तो वो भी हमारी वजह से बच सकते हैं। अगर हम लोग ही नहीं लगाएंगे तो उनको भी ज़्यादा खतरा रहता है बीमारियाँ होने का। ये जो है गाइस, यहाँ पे टीबी के लिए लोगों को जागरूक करवाया जा रहा है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि यार टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि आज के मैक्सिमम लोगों को हो रही है और कईयों को नहीं पता चलता, और अगर इसका इलाज टाइम से नहीं हो तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए लोगों को जागरूक करवाया जा रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो थैंक यू गंता मैम का जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो गाइस यार, एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है, और स्पेशल थैंक करना चाहूँगा मैं अपने आशा वर्कर का, जो अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसके बाद स्पेशल थैंक करना चाहूँगा मैं कांता मैम का, जो यहाँ पे आए हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं लोगों को। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा श्री कुंजलाल सर का, और जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। और उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगा स्पेशली श्री दिले राम जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और एक बार फिर से मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी जितनी भी इनकी टीम यहाँ पे काम कर रही, वर्क कर रही, जितने भी वर्कर्स है, उनका बहुत 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 धन्यवाद। सो हे गाइस, फाइनली यार जो मेरी वैक्सीन की बॉल लग गई है, जो मेरा फर्स्ट डोज था वैक्सीनेशन का, वो मेरा आज हो गया है। वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज आज मैंने लगा दिया है। सो अभी सेकंड डोज 85 डेज के बाद इन्होंने बोला है कि उसके बाद हम सेकंड डोज भी लगवा सकते हैं। चलिए, सेकंड डोज जब भी लगेगा वो उसका भी ब्लॉग बनवाऊंगा। अभी तो मेरा फर्स्ट डोज था, तो अभी तो मुझे वैसे कुछ नहीं हुआ है, अभी तो नॉर्मल है बिल्कुल। लोगों ने अभी मुझे यहाँ पर बोला कि आधा घंटा आपने यहीं पर रुकना है, बिकॉज हो सकता है उन्हें कुछ रिएक्शंस हो, फिर आपको मेडिसिन वगैरह दी जाएगी, दवाइयाँ वगैरह दी जाएगी, कुछ बोला ही इन्होंने ऐसा वैसा। चलिए, अभी तो मुझे 5 मिनट हो गए हैं वैक्सीन लगा के, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो ओके हूँ मैं। सो देखते हैं, अभी 25 मिनट और रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है, रिएक्शन कैसा रहता है। सो अभी ऑलमोस्ट सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, अभी काफ़ी लगभग 30-35 लोग बचे हैं। सो चलिए, फाइनली नरेश ठाकुर हो गए चक्का चक्के, अभी कुछ नहीं हुआ, स्वास्थ्य ओके है। सो अगर कुछ रिएक्शन होता है तो देखते हैं, तो आप तब तक के लिए ब्लॉग पर बने रहिए, आधा घंटा यहीं पर रुकते हैं, उसके बाद हम चलते हैं घर की ओर। तो मैं आपको घर, जब मैं घर जाऊँगा वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा। सो आप ब्लॉग में बने रहिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सो कैसे हो आप सभी। माफ़ी चाहता हूँ, पिछले बार क्या हुआ था यार, मैंने बोला कि मैं वो वाला ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। क्यों नहीं वो शूट कर पाया, इसके पीछे भी रीज़न है। तो गाइस यार, रीज़न ये है कि जब वैक्सीन लग गई थी तो 5 मिनट तक कुछ नहीं होता, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना रिएक्शन करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि पहले हाथ हरी हरी सब होने लगता था, तो उसके बाद जब घर आ रहा था तो घर आते टाइम क्या हुआ कि यार चक्कर चक्कर से आने लगे, बड़ी मुश्किल से घर में पहुँचा, और घर में आके मैं सुबह सो के रह गया और शाम को खाना खाया, फिर से सो के रह गया, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अभी थोड़ी देर पहले उठा, उठ के थोड़ा फ्रेश व्रेश हो गया, मैं सोचा चलो अभी गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ खत्म। सो आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स